ये बताओ आईयूपीएसी नेमिंग हो गया था कल? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए? बताओ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं, सिग्मा पाई और सिग्मा एंड पाई। बताओ पाई बॉन्डेड थोड़े अलग होते हैं। हाँ बताओ पाई बॉन्डेड ओएमसी में क्या पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं? बताओ बेंजीन कनेक्टर्स लिगेंड, C2H4 कनेक्टर्स लिगेंड। जैसे C2H4 क्या जीसिस सॉल्ट में होता है? जीसिस सॉल्ट का फॉर्मूला बोलिए। के डब्बे के अंदर पढ़ते हो हैं? पीटी CL3 और C2H4। बताओ ये ईटा कितना लिखोगे? क्यों ईटा दो? क्यों? क्या दो कार्बन के बीच में बन रहा है इसलिए दो लिखेंगे? बताओ बेंजीन के लिए ईटा, साइक्लोपेंटाडाइनल के 5। क्या आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऐसा कुछ सुना था क्या कि बोरोन जो है वो थोड़ी गड़बड़ करता है? तो बोरोन को वहां कंसिडर करना पड़ता है मेटल के रूप में। वैसे बोरोन जो है वो नॉन मेटल है। बताओ बोरोन जो है वो नॉन मेटल है तो वो एसिड बनाएगा या बेस? बोरिक एसिड बनाता है, मेटाबोरिक एसिड बनाता है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए, H3BO3। बताओ ये क्या ऐसा एसिड है जो H+ देगा? OH- खाएगा। कितने खाएगा? बताओ बोरोन कितने OH- खाएगा? ए। क्यों? ए बी ओ एच होल थ्राइस है, इसको बोरिक एसिड कहते हैं। अब एक OH- खाएगा तो ये बन जाएगा BOH4-। बताओ यहाँ बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या आपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पे गया? बताओ बोरोन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, याद है ना आपको? थर्ड पीरियड का 4th पीरियड का 6, 5वें पीरियड का 7। क्या IF7 एग्जिस्ट? यस। CLF7 नहीं, BRF7। तो ये सब बातें थी और अपन आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग वगैरह भी आपने करी, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। D&F चालू कर दिया था क्या? बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ। एप्लीकेशन भी तो बच रहा है अभी। चलो एप्लीकेशन खत्म करते हैं और फिर अपन D&F चालू कर देंगे आज। देखिए इधर ध्यान दीजिए, सारी रिएक्शन इधर देख लीजिए पहले एक बार, एक साथ लिख देंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में ये थोड़ा आसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा कि होता है रेगुलरली, यूजुअली जो होता है। ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट, अननोन सॉल्ट। अरे यार तुम लोग अननोन सॉल्ट भरा बड़ा है उसमें। इस सॉल्ट में पता लगा है ना था आपको कि इसमें फेरिक है कि नहीं। आपको टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट भर के दिया और पूछा कि आपने इसमें फेरिक है कि नहीं, पता लगाओ। टेस्ट ऑफ फेरिक, फेरिक आयन का टेस्ट करना था आपको लेबोरेटरी में। तो आप को सॉल्ट मिला तो उस सॉल्ट में एनायन तो हो गई, तो FeCl3 मान लेता हूं मैं कि ये हो, क्लोराइड लगा दिया मैंने एज एनायन ताकि ये सॉल्ट बन जाए। इस सॉल्ट में आप जो आयरन +3 का टेस्ट करना था, अगर आपको फेरिक का टेस्ट करना था तो आप इसमें फेरस मिला दो। अब फेरस कैसे मिलाओगे? फेरस होता है K4FeCN6। देखो आप K4FeCN6 में फेरस है क्या? है ना, इसका नाम बोलिए कॉमन नेम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये फेरस है, एक से दो बूंद डाल दीजिए। अब जैसे ही इसमें रिएक्शन होगी वो देखिए क्या होगा। मान लीजिए FeCl3 था उस टेस्ट ट्यूब में जो आपने ली थी उसमें सॉल्ट में, तो रिएक्शन होगी और कलर बनेगा ब्लू कलर की, कोई एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो ब्लू कलर देखिए किसका आएगा और ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहा हूं। इसको कैटायन 9 में तोड़ दीजिए, Fe+3Cl-1, ऐसे लिख दूं Fe+3Cl-1। इसको भी कैटायन 9 में तोड़ो, K+FeCN6-4। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ भिड़ा दो और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ भिड़ा दो, बोलो KCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? उसका चार्ज उठा के इधर, इसका चार्ज उठा के इधर डालो। बनवाओ Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, ये बोलेंगे। जो डब्बे के अंदर आयरन था वो आज भी अंदर ही है और जो बाहर था वो बाहर ही है। बताओ बाहर फेरिक था या फेरस? तो
बाहर फेरिक था या फेरस? फेरिक था ना बाहर, ये फेरिक बाहर आयरन के ऊपर प्लस थ्री, और अंदर डब्बे के अंदर जो है वो आयरन के ऊपर टू। इसका नाम क्या बोलूं मैं, फेरी फेरो साइनाइड या फेरो फेरी साइनाइड? फेरी फेरो साइनाइड, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं प्रूशियन, नाम दे रखे हैं साइंटिस्ट लोगों ने, अपने अपने हिसाब से नाम दे रखे हैं। ब्लू है कुल मिला के। जब एक से दो डाल तो ऐसा हुआ, और डाल दीजिए K4FeCN6। जब और डाल K4FeCN6 के भी आएगा अब इसके साथ, देखना कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये समझ में आ गया था वैसे ये समझ में ऐसे नहीं आएगा। ये जो डब्बे के अंदर की एंटिटी है वो डब्बे के अंदर ही रहेगी, के FeFeCN6 ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो मैं बताऊं कैसे। बोलो पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस वन। इसके ऊपर चार्ज जो बाहर था वो बाहर ही है, बताओ प्लस थ्री। इसके ऊपर, इसके ऊपर माइनस सिक्स, क्या ये जीरो हो रहा है टोटल? चेक करो एक बार, ये प्लस थ्री प्लस वन प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स और माइनस सिक्स जीरो हो रहा है ना, ये बन जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होता है, व्हाट डज दिस कोलोइडल मींस? क्या ये टिंडल इफेक्ट देगा क्या? क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है? क्या ये सस्पेंडेड सस्पेंशन सॉल्यूशन है? सस्पेंडेड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होती है उससे तो ये कम छोटे, और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बिल्कुल सॉल्यूशन उससे ऑब्वियसली ज्यादा जी। टिंडल इफेक्ट देगा ये, इतना कोई नहीं पूछ रहा आपसे कौन सा इफेक्ट देगा, यहाँ नहीं पूछते सब। आज जो बाहर था वो बाहर ही, प्लस थ्री, और ये अंदर जो अंदर था अंदर ही। ये टेस्ट ऑफ फेरिक, ऐसी टेस्ट ऑफ फेरस भी कर सकते हैं आप, सेम तरीके से चलेगा, बिल्कुल सेम सिमिलर। FeCl2 था मान लो टेस्ट ट्यूब, प्लस आपने मिलाया, बोलो क्या मिला? इस बार K3FeCN6 मिला दो। आपने ऊपर जब यहां प्लस थ्री था तो प्लस टू मिला दिया, अब यहां क्या है? प्लस टू, तो वहां क्या मिला होगा? प्लस थ्री मिला दो, K3FeCN6 ये ना भैया। हाँ बताओ अब क्या बनेगा? K3F4 वो टू और थ्री, ठीक है बताओ क्या बना? FeCN6 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं टर्न बुल्स ब्लू, टर्न्स बुल ब्लू कॉम्प्लेक्स। और दूसरा नाम बोलिए, बताइए ये बाहर वाला कौन सा आयरन है, प्लस टू या प्लस थ्री? प्लस टू, और ये वाला प्लस थ्री, बोलो क्या नाम बोले? फेरो फेरी साइनाइड, वही एक से दो बूंद डाली थी और ज्यादा मिलाइए, सेम कंपाउंड बन जाएगा, सेम जो यहां बना वही सेम। K3FeCN6 मिला दीजिए, सेम बनेगा KFeFeCN6। बोले अंतर क्या है फिर? बोलो अंतर समझ में आ रहा है आपके? ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर आएगा, बोलिए यहां क्या लिखूं? टू, और यहां क्या लिखूं? थ्री। ये भी कोलोइडल, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है आयरन प्लस टू और आयरन प्लस थ्री के इन टेस्ट में। अब जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर इनको फॉलो नहीं करते होंगे, फॉलो के लिए, फॉलो करने के लिए कुछ और पहचान होती होगी। आयरन प्लस थ्री का एक और टेस्ट होता है, आयरन प्लस थ्री में KSCN मिला देते हैं। KSCN नाम बोलो इसका, KSCN, के तो जानते हो तुम, क्या इसमें थायो लगाएं? ये FeCl3 मान लेना, बताओ क्या बन जाएगा? बनाओ वही कैटायन 9, बढ़ा दो, बढ़ा दो कैटायन 9, KCl मिल जाएगा एक, तो और बोलो
क्या एफ ई एस सी एन होल थ्राइस मिल जाता होगा? ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। बताओ क्या आपने एक रोजी रेड कलर पढ़ा? वो एनआईडीएमजी का था। अच्छा निकिल और डीएमजी का जो कॉम्प्लेक्स है ये जोड़दार है क्या? तो निकिल आयन का टेस्ट करने के लिए डीएमजी डाल देते हूं। निकिल आयन का टेस्ट करना है, बोले निकिल प्लस टू का, तो निकिल प्लस टू का सॉल्ट लिया एनआईसीएल टू और उसमें डीएमजी डाल देते हूं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शानदार है। तो निकिल प्लस टू का टेस्ट करने के लिए डीएमजी डाल दो और रोजी रेड पीपीटी मिल जाएंगे। तो ये चार टेस्ट आपने पढ़े, चौथा आपने पहले ही पढ़ रखा था, ये तीन एफ ई प्लस थ्री के दो और एफ ई प्लस टू का एक, मैं हटा रहा हूं इन्हें। देख लो फोर अधिक गायब हो गया। हट गया ना, और मिलाया ना तो कुछ और नया बनेगा, ये मिलाया ना उसमें कुछ। लिखो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फर्स्ट लिखिए, टेस्ट ऑफ फेरस आयन, टेस्ट ऑफ फेरस आयन। लिख दो, कौन सा लिखोगे, ऊपर वाला? फिर लिखिए टेस्ट ऑफ फेरिक आयन, इनके नाम लिख लेना भैया, इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम क्या था वो लिख लेना, फेरो फेरी साइनाइड। टेस्ट ऑफ फेरिक आयन, दोनों टेस्ट लिख दो फेरिक आयन के।
इसके भी नाम लिख देना, इसका भी फेरी फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट लिखिए टेस्ट ऑफ, अच्छा इसका कलर क्या था? ब्लड रेड। CuCl2, ये टेस्ट ऑफ कॉपर क्यूप्रिक आयन। नेक्स्ट लिखिए टेस्ट ऑफ क्यूप्रिक आयन। हाँ बस क्या बनेगा, वही कैटायन आयन बढ़ाना है। बनाओ बढ़ाओ, लिखो लिखो, लिख के बढ़ाओ। हाँ भाई बोलो क्या बनाया तुमने, ऐसा बनाया क्या? Cu4FeCn6H2। यही बना होगा पहले तो, बट उसके बाद आपने कुछ किया होगा। क्या किया? इसको सिंपल रेशियो में बदल दिया। तो बताओ क्या लिखा आपने इसको? सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मेट Cu2FeCn6, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। क्यूप्रिक आयन का टेस्ट है, Cu+2 का K4FeCn6 डाल दे, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखिए टेस्ट ऑफ Ni+2। टेस्ट ऑफ Ni+2। नीचे लिखो NiCl2+DMg, डायमिथाइलग्लाइकोजाइन। निकल में निकल का टेस्ट लिखना है, Ni+2 का। तो NiCl2+DMg जो एरो आप लगा रहे हो, अब आप गिव्स का निशान लगाते हो, उसके ऊपर वहां लिख देना NH4OH की प्रेजेंस, यानी वीक बेस प्रेजेंस में, NH4OH की प्रेजेंस में वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Ni-DMg2 वाला। उसको लिख दो रोजी रेड पीपीटी लिख देना उसको। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो सिस प्लेटिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर, और देखिए AGF, AGCL, AGBR, AGI, फजान रूल, खींचना खिंचवाना। बताओ यहाँ खींचने वाले सेम है अलग अलग? खींचता कौन है? कटायन आयन।
तो सेम है, खिंचवाने वाले अलग अलग है, बताओ यहाँ खिंचवाने वाले ये अलग 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 अलग, बताओ सबसे बड़ा जो होता था वो सबसे ज्यादा खिंचवाता था, आई माइनस सबसे ज्यादा खिंचवाएगा, इसका मतलब इसमें कोरिलेटर ज्यादा या कम, कोरिलेटर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, ये सॉल्युबिलिटी में मिलेगा आपको, आप चेक कर लो, आप सॉल्युबिलिटी में मिलेगा आपको एक पॉइंट कि डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के लिए सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते थे आप तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर होती थी, आप भले ही चेक कर लेना, आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ये सवाल भी मिलेगा आपको सॉल्युबिलिटी में, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा ये, अब सॉल्युबिलिटी का अगर ये ऑर्डर है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने के चांसेस किसके हैं, एजीएफ के, भाई एजीएफ के चांसेस सबसे ज्यादा सॉल्युबल के, यस ये एजीएफ सॉल्युबल होता है, और AgCl, AgBr, AgI इनसॉल्युबल होता है, इसके पीपीटी मिलते हैं, बताओ पीपीटी इनसॉल्युबल पार्ट मतलब वो सॉल्युबल नहीं हुआ, बचा रह गया, किसमें सॉल्युबल नहीं हुआ है? आप ये बोलते हो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ये किसमें बोलते हो आप, पानी में, क्या पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना हुआ है, तो पानी को माना हुआ है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो पानी की बात चल रही है, बताओ सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, पर सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ब्लू कलर आता है, नहीं लगती, अबे नहीं लगती क्या होता है, ब्लू कलर आता है, बताओ धीरे धीरे ब्लू कलर रेड में बदल जाता है, उड़ जाता है, फेड हो जाता है, ब्रॉन्ज नहीं फेड हो जाता है, अरे ब्रॉन्ज तो और मेटल डालोगे तो ब्रॉन्ज बदल जाए, बताओ यहां पे भी ये AgCl, AgBr के जो पीपीटी हैं, ये अमोनिया लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल हो जाते हैं, पीपीटी ऑफ AgCl और AgBr, AgCl, AgBr बताओ इनको, AgCl लिख देता हूँ, लिक्विड अमोनिया में ये डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते होंगे यार, ठीक है, क्यों घुल जाते होंगे, बोले कॉम्प्लेक्स बन जाता होगा, क्यों बन जाता होगा, क्या Ag जो है वो 5D, 4D, 5D मेटल है, बताओ इसके साथ जितने लिगेंड आएंगे सब स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छा दूसरी बात ये लिगेंड बनने लायक है क्या, तो ये जब लिगेंड बनेगा तो वे तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देखना क्या बन जाएगा, Ag NH3 का होल ट्वाइस और डब्बे के बाहर Cl, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बताओ ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, लिखे नेक्स्ट पॉइंट, PPT of AgCl or AgBr. PPT of AgCl or AgBr are soluble in liquid ammonia. PPT of AgCl or AgBr are soluble in liquid ammonia, forming soluble complex. Reaction की format में लिख दो उसको. Reaction की form में लिख दो. बहुत पुराने जमाने की बात है, एक बार आप थोड़ा सोचना, शायद आपको ये याद हो बात, आपने वो वाले कैमरे देखे हैं जिनमें पीछे का ढक्कन खोल के रोल डलता था, देखें
देखिए मैंने तो उनका यूज काफी किया भी सरी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो देखो आपसे बड़ा हूँ ही सरी, तो इस 10-12 साल का अगर गैप होगा भी सरी अपने आराम से, नहीं नहीं 40 है, अभी मरने ही वाला हूँ कल ही, तो वो जो जो आपने वो जो रोल वाले कैमरे देखे हैं या नहीं देखे हैं, उनमें होता था रोल, जैसे मोबाइल का पीछे ढक्कन खोल के बैटरी डलती थी, वैसे ही पहले के जमाने में कैमरे का पीछे का ढक्कन खोल के रोल डलता था। मुझे बोलने दीजिए, तो जब आप उसमें फोटो क्लिक करते थे तो फोटो क्लिक हो जाता था, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डिलीट दैट फोटो। आज तो आपके पास ऑप्शन है कई सारे, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फोटो खींच गया उस रील पे आ गया हो। अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता होगा और क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कैमरा है एक्स वाई जेड, पुराना नया कैसा भी, अगर आपने फोटो क्लिक किया तो जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उस कैमरे को कैसे पता पड़ता होगा कि यहां लाइट है, कैसे? शटर वाले कैमरे हमारे पास किसी का भी नहीं है, आपके पास ही होंगे, आज के जमाने में भी बहुत पुराने जमाने में चल रहे हैं आप। आपने मोबाइल से फोटो लिया या किसी से भी लिया, तो आपने जब फोटो क्लिक करा तो उस कैमरे को कैसे पता चला कि उसमें लाइट है? उसमें कोई सेंसिटिव चीज होगी, उसमें कोई सेंसर होगा, उसमें कोई सेंसिटिव चीज है जो फोटो को सेंस करती है, लाइट को सेंस करती है। पुराने जमाने में उन कैमरे में जो फोटो सेंसिटिव चीज लगी होती थी वो AGBR था, सिल्वर के हैलाइड्स एंड मोस्टली सिल्वर ब्रोमाइड। वो सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता था, उस लाइट को सेंस करता, लाइट ही सेंस नहीं होगी तो वो फोटो कैसे छपेगी उस रील पे? वो रील पे जो फोटो आई वो कैसे पता लगेगी कि वो दिन की है? पहले के जमाने में तो फ्लैश भी नहीं होते थे कैमरे, बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ती गई टेक्नोलॉजी तो उसमें ऊपर एक फ्लैश का गुट्टा आने लगा, वो खुल जाता था। अब जो है अब वो अब तो अलग चीज हो गई। तो वो जो फोटोग्राफ खींचते थे, अब सुनना आप ध्यान से, जैसे ही खींचा तो खींच के वो लाइट उस AGBR पे पड़ी, उस रोल पे, जब उस AGBR रोल पे पड़ी तो वो AGBR डिकम्पोज हो जाता था, लाइट की प्रेजेंस में AGBR डिकम्पोज हो जाता था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता था। फिर वो रोल के 30 फोटो खींच गए, 30 फोटो खींचते थे, मेरे हिसाब से मुझे जितना याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात हो गई, तो 30 फोटो कैपेसिटी डिपेंडेंट थी उस पर, 30 फोटो खिंच गए। मान लीजिए आपने उस रोल को निकाला और आपके फादर मदर उस टाइम पे कोई भी एक चीज बोलते थे कि जाओ धुलवा के ले आओ। कौन बोला धुलवा के ले आओ? हाँ, इसे पता है, जाओ धुलवा के ले आओ। रील को धुलवा के ले आओ, और यही शब्द यही बात बोली जाती थी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, धुलवा के ले आओ भाई। कोई कहता था बनवा लाओ, कोई कहता करवा लाओ, जो भी है नेगेटिव निकाल लाओ, जो भी है, पर भैया ये जो शब्द था धुलवा लाओ, ये शब्द अब आप दिमाग में रखना, ठीक है? मुझे बताओ H2SO4 नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ इसमें से एक O हटाया, एक S जोड़ा, ये पहले भी किया है आपने कहा? फॉर्मूला H2S2 थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इस H2O3-2 का नाम H+ निकाल दिया तो ये क्या, ये सल्फेट बन गया, तो इसका नाम क्या हुआ? थायो सल्फेट, यही नाम हुआ। अरे इसमें Na जोड़ दिया, Na2S2 सोडियम थायो सल्फेट, इसी को बोलते हैं हाइपो, और इसी से धोते थे उन फोटोज को और रील को। ये धोने काम आता है वो रील को जो निकाल कैमरे से डाली जाती है। पता हाइपो का काम फोटो खींचने का है या फोटो बनाने का है, धुलवाने का, बनाने का? ये जो Na2S2O3 है इसके दो नाम आपने बोले अभी, एक सोडियम थायोसल्फेट और दूसरा हाइपो, इट इज इंपॉर्टेंट एजेंट
इम्पोर्टेंट एजेंट है, एक लेबोरेटरी काम आता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ये धुलवाने के काम आएगा, तो क्या धोए उसमें, क्या धोए उसमें, मतलब क्या क्या धोना है, मतलब और जो AGBR जो डिकम्पोज हुआ उसमें कभी कभार कुछ पार्ट AGBR का अनडिकम्पोज्ड रह जाता था, कुछ बच जाता था, 100% नहीं टूटता था, उसको डिकम्पोज करने के लिए ये काम आता था, ताकि उसमें से जो लाइटिंग जो प्रॉपरली जो इफेक्ट्स हैं वो आए। और भी कई मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि केवल आईपो लिया आई रील धो दिया और हो गया काम, ले जा, और भी चीजें होती हैं। आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा लाल लाल लाइट जली होती है और उसमें फोटो लटका के रखते हैं क्लिप्स पे। तो ये हाइपो काम आता है उस AGBR को धोने के। अब देखिए रिएक्शन क्या होती होगी, ये AGBR प्लस Na2S2O3, ये Na2S2O3 AGBR को अलग अलग करने में काम आएगा। अनडिकम्पोज्ड है या ये डिकम्पोज्ड है? अनडिकम्पोज्ड, वो बचा हुआ। ये Ag क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये Na इसके साथ भिड़ जाएगा, NaBr बन जाएगा और Ag कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इट इज गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, इसका ये रोल है, एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होते होंगे, तो कॉम्प्लेक्स बनवाए, तो ये कॉम्प्लेक्स बनवाएगा इसके साथ इसका S2O3 और Ag का। Ag S2O3 होल ट्वाइस, डब्बे के ऊपर चार्ज -3। आपने दो कॉम्प्लेक्स और पढ़े थे, मैं आपको याद दिलाऊं, AuCl4-1 PtCl6-2, अब याद नहीं आएगा, जो पढ़ रहे होंगे उन्हें ही आएगा। एक्वा रीजिया में पढ़े थे आपने, गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेशन O3 बट दे कैन बी ऑक्सीडाइज बाय एक्वा रीजिया। ये -1, ये -2, ये -3, तीन कॉम्प्लेक्स आपको याद रख लेने, -1, -2, -3। ये याद इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज है, तो कॉर्डिसिमर 6 रट रखा आप, बताओ प्लेटिनम के लिए रट रखा है क्या, और भी रट रखा होगा, कोबाल्ट +2, +3, कोबाल्ट +2 में 4, कोबाल्ट +3 में 6, प्लेटिनम +2 में 4, प्लेटिनम +4 में 6, क्रोमियम +4 में 6, +3 में 6, AgS2O3 होल ट्वाइस -3, ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब Ag कभी भी Br की तरफ नहीं देखेगा क्योंकि डब्बे में बंद हो गया। तो जब भी किसी को अलग अलग करना होता है तो उसको डब्बे में बंद कर देना होता है। जैसे आपने कैलगोन पढ़ा होगा, हाइड्रोजन कैल्शियम गोन लिख लीजिए, लिखो नेक्स्ट लास्ट लिखिए इसमें Na2S2O3, इसमें बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट है, भाई यही आ जाओ, तीन चार लोग और पूछते रहो, बताते रहेगा कोई ना कोई, बोलने दो भाई। Na2S2O3 उसी में आगे लिखिए, Na2S2O3 का नाम लिखिए आगे, Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट / हाइपो Na2S2O3 उसका नाम लिखिए आगे, सोडियम थायोसल्फेट / हाइपो इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफ is used in development of photograph because it is good complexing agent because it is good complexing agent. Next line mein likhiye, AgBr / silver halides are photosensitive. AgBr / silver halides are photosensitive.
फुल स्टॉप इसी में आगे लिखिए. Na2S2O3 इज यूज टू डीकम्पोज Na2S2O3 इज यूज टू डीकम्पोज द अनडीकम्पोज्ड AgBr. Is used to decompose the undecomposed AgBr by forming complex. Reaction की form में लिख दो. AgBr plus Na2S2O3 क्या कॉम्प्लेक्स बनाया? AgS2O3 का होल ट्वाइस और उस पूरे डब्बे पे -3. गलत रहा था ना, नहीं लिख सकते उसको, वो नहीं बनता, जोर बनता है. ये क्या बात हुई कि क्यों बनता है, तू ऐसा क्यों है, तेरा नाम क्या है, वो क्यों है, ये कोई बात थोड़ी होगी, जो है वो तो है, ये कोई बात हुई क्या? तो कॉम्प्लेक्स बनता है, बन गया AgSi नहीं है, AgS2O3 होल ट्वाइस पूरे डब्बे पे -3. कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी तो AgBr अलग अलग हो जाएंगे और वो फिर वापस कभी भी साथ में नहीं हो पाएंगे. पेज नंबर तुम्हें कल 1 से लेकर 87 से सवाल दिए थे, 88 से चालू करो सवाल करना, अभी 88 से करो. अभी उसमें एक सवाल आपके सामने आएगा डी एंड एफ ब्लॉक का, क्वेश्चन नंबर 91. इस पे लिख दो डी एंड एफ, नेस्लर्स रिएजेंट लिखो, 91 पे लिखो डी एंड एफ. नंबर के सवाल पे डी एंड एफ ब्लॉक लिखो, नेस्लर्स रिएजेंट का सवाल है, वहां कर लेंगे उसको. से 94 तक के सवाल निपटाओ अभी जल्दी. क्वेश्चन अगर मॉड्यूल ना होगा, 88 से करो सवाल जल्दी करो, 88 से 94.
याद करने पड़ेंगे हूँ। ये कर लिए, वो कर लिए 88 से 94 जी। अड़ो मत यार, ऐसे मत फाड़ी, काम आएंगे। मैं बता रहा हूँ अभी क्लास में, इसका नाम क्या है? साइनाइड। इसका नाम क्या है? ओ साइनाइड है। क्योंकि कुछ तो हम बोलेंगे। साइनेट, क्या नाम? इसका नाम साइनाइड, ड ड आइड, साइनाइड, ट ट साइनेट। इसका नाम क्या होगा? थायो साइनेट। और इसका नाम क्या होगा? उल्टा, आइसो थायो साइनेट। क्या नाम? आइसो थायो साइनेट। हो गया क्लियर? अभी देख, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पे आइए। इन दिन ओहो, इधर देखो, इसका नाम क्या है भैया, वापस बोलना। साइनाइड। अच्छा एक मिनट, ये लिख रखा है और ये लिख रखा है, एक मिनट रुक जाइए। ये मेटल की तरफ ऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मेटल की तरफ ऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या मैं इसे साइनाइड बोल सकता हूँ? ये साइनाइड ही है। अगर मुझे इसे भी साइनाइड बोलना है तो ये बात मुझे बतानी चाहिए कि कौन लिंकेज है। या तो मैं इसको आइसोसाइनाइड बोल दूं, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं एन साइनाइड। बोलो कोई दिक्कत? सही है। आपने ये कहीं लिखे थे क्या? एम्बिडेंटेड लिगेंड वगैरह कहीं लिखे हों, लिंकेज आइसोमरेज में कहीं लिखा हूं, खोलो स्पेस। अब आगे समझ में आ गया भैया, आगे समझ में ना। और लिंकेज आइसोमरेज पे आओ, उसमें ही लिखे होंगे ना आपने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। चार लिखे थे, जैसे एनओ टू माइनस है तो एनओ टू माइनस का नाम क्या होता है? नाइट्राइट। तो उस ओ एन ओ माइनस को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ओ नाइट्राइट लिख सकते हैं। जैसे
ओसीएन माइनस था। अब उस ओसीएन माइनस का नाम क्या बोला था मैंने, साइनाइट। तो उस एनसीओ माइनस को मैं ऐसा नहीं ले सकता, एन साइनाइट। ये वही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 वैसा ही दे रखा है, जैसे एससीएन माइनस है। अब इस एससीएन माइनस का नाम क्या है, थायो साइनेट। तो उसको एनसीएस माइनस को मैं क्या एन थायोसाइनेट नहीं बोल सकता, या फिर आइसो थायोसाइनेट नहीं बोल सकता, दोनों बोल सकते हैं। तो आप वन नाम थोड़ा लिख लो ताकि आइडिया लग जाएगा ना आपको, जैसे एससीएन माइनस है उसका नाम थायोसाइनेट। और NCS माइनस है तो N थायोसाइनेट या फिर आइसो थायोसाइनेट, दोनों सही। OCN माइनस का नाम साइनेट, साइनेट। और एनसीओ माइनस का नाम क्या एन साइनाइट बोल दो या फिर थायो आई हाँ आइसो साइनेट बोल दो। अब जैसे देखो आप उसमें पेज नंबर ही कौन सा दे रखा है आपको, 132 पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब वहां पे लिगैंड दे रखा है एनसीएस माइनस, देखो आप क्वेश्चन में देखो एनसीएस माइनस, तो इसके दो नाम हो सकते हैं। अब आप दोनों नाम बोल दो, बिना देखे बोलो, उसमें नीचे ऑप्शन में क्या देख रहे हो, या तो एन थायोसाइनेट या फिर आइसो थायोसाइनेट। तो जो उनमें दोनों से कोई दे रहा होगा दोनों सही है, दोनों अच्छा ये बताओ ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है क्या? है क्या एम्बिडेंटेड? कंफ्यूजन क्लियर रख लो अपना, कंफ्यूजन क्लियर करो आप। देखिए अब बताओ इसमें कौन कौन डोनर है, ये और ये दोनों डोनर में से कोई एक डोनर आएगा। अब मान लो ये डोनर आया तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एन नाइट्राइट, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ? इसका दूसरा नाम नाइट्रो भी होता है। और मान लो अगर ये ऐसा है एन लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड हो ओ माइनस और ये डोनर है। अब बोलो तू ये इसका ना क्या नाम हो सकता है, ओ नाइट्राइट, ये लो। अब ओ लगाना तो अपने हाथ में, नाइट्राइटो कब लगाऊंगा मैं, जब आईयूपीएसी नेमिंग लिखूंगा, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है ना। बताओ एनायनिक लिगेंड के नाम के पीछे ओ लगाते हैं, आपको बताया था कल, नाम तो इसका नाइट्राइट ही है। नाइट्राइटो कब बोलूंगा मैं, जब आईयूपीएसी नेमिंग करूंगा। तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं, अभी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप चाहो तो जहां एम्बिडेंटेड आपने लिगेंड लिखे थे वहां आप इनको लिख सकते हैं कि इसका ये डोनर तो ये डोनर तो ये, वही है ना। ये ओ एन ओ माइनस है, वो एन ओ टू माइनस, और क्या। जब नाइट्रोजन पास में लिख रहा होगा उस मेटल के तो नाइट्रोजन डोनर है, और जब ऑक्सीजन माइनस आप सामने लिख रहा होगा ओ एन ओ, और क्या।
ओहो, तुम सबके नाम लिखो भैया, हैंग हो गए तुम। बोलो, इसका नाम क्या बोला था मैंने? साइनेट। अरे फिर वही, अरे एनायनिक लिगेंड तो ओ तो लगाओगे ही, पर वो आईयूपीएसी में लगाओगे ना, नाम इसका साइनेटो थोड़ी ना है। नहीं समझे यार बात, इसका साइनाइड का नाम क्या साइनो है क्या? इसका नाम तो साइनाइड है, नाम तो साइनाइड है ना। कोई आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है, तो साइनाइड है। अब एज अब आपको यूपीएससी नेमिंग करनी है स्पेशली, तो आप बोलो साइनाइड। अब इसका नाम तो साइनेट है, नाम अब आपको आईयूपीएसी धरना है तो फिर वो लगा देना। उसमें क्या है, वो रटना थोड़ा एनायनिक लिगेंड है, वो लगा देना पीछे। बोलिए, मैं पढ़ जाऊं क्या आगे? चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी है क्या मैंने? दो गलती है, दो गलत लिखी है। क्या ये गलत है? अब सही है, सही है सब। इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें हैं ध्यान रखने की। ब्लॉक आ गया, अब हर लाइन नई, एक भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा नहीं चलेगा आप, कि एक कॉन्सेप्ट दिया, पांच क्वेश्चन निमट गए। अब वो ब्लॉक जैसे चलेगा, हर लाइन में नया कॉन्सेप्ट, हर लाइन में नया कॉन्सेप्ट। मतलब 10 लाइन तो 10 कॉन्सेप्ट, तो 50 पेज के बराबर बर्डन हो गया। नहीं समझे आप मेरी बात? तो बर्डन ज्यादा है, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, पर नोट्स में हर लाइन में अलग चीज नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान सुनिएगा, हल्के मत लेना आप इसको, ब्लॉक आ गया है। बहुत सारी बातें हैं और आपको ध्यान भी रखनी है, पर टफ नहीं है। पी ब्लॉक तो क्या है, थोड़ा मुश्किल भी है। पी ब्लॉक में इंटेंसिटी भी ज्यादा है, यहाँ टफनेस की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। यहाँ आप ऑलरेडी, आप इतनी सारी चीजें पढ़ के आए हुए हो, तो आप काफी तैयार हैं इस चीज को झेलने के लिए। पी ब्लॉक जब आता है तो केवल एस ब्लॉक पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए पी ब्लॉक थोड़ा मुश्किल ज्यादा लगता है। पर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगा पी ब्लॉक, नहीं लगा ना? थोड़ा तो होता ही है। देखो, ऑक्सी एसिड के नाम, वो ही बहुत बड़ा एक जंजाल है। कितने सारे नाम है, पायरो, मेटा, एनहाइड्राइड, हाइपो, एक कब लगाना, क्या नहीं लगाना, पर एक कब लगाना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। ओसवाल्ड, कॉन्टैक्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, दुनिया भर की रिएक्शन है। क्लोरीन प्लस डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन सुनाओ। NaCl(O)3 Na3, NaClO प्लस NaCl, और कॉन्सेंट्रेटेड एन ए हो जाए, अब एन ए सी एल आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का दो फार्मूले थे उसके, CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस। तो वहां पे भी बहुत सारी बातें थी, यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हैं। वहां पे भी हर लाइन में नया कॉन्सेप्ट, हर लाइन में नई चीज, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर, बिल्कुल भी बीच में मस्करीबाजी नहीं चलेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे चीजों को, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। स्कैंडियम 4s2 3d1, तीन इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं, तो बताओ जरा क्या इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे? नहीं होंगे, 18 बचेंगे, 21 इलेक्ट्रॉन उसमें, वहां जीरो हो जाएंगे। यही कहना चाहते थे आप, क्योंकि आपको सब आता है तो वही कहना चाहते होंगे आप। ऑब्वियस सी बात है कि आप गलत नहीं हो सकते। 4s2 3d1, तीन इलेक्ट्रॉन निकाले आपने तो वहां पे जीरो हो गए, और 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रह गए। आर्गन जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो गई कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा लगता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की +3 हो सकती है, और ये बात सही है। ग्रुप थर्ड इसका नाम है, थर्ड ए या बी है, तो वन ए का है,
वन ए, वन बी उसी के इधर, और नहीं वन ए इधर तो टू ए इधर, तो वन बी किधर? इनमें है क्या कोई? ये है क्या? ये है क्या? ये वन बी, ये टू बी और वो थ्री बी, तो क्या पागल था क्या जो वन बी टू बी थ्री बी ऐसे लिख देता था? वैलेंसी के हिसाब से है? नहीं भैया, वैलेंसी के हिसाब से कर रखा है, बहुत महान आदमी था वो, तो उसको नहीं होता तो जाने क्या कर रहे होते आज पर। वन बी टू बी कोई और कर देता है। हाँ देखिए, वन बी, वन बी इसलिए क्योंकि इसकी वैलेंसी वन है, टू बी इसकी वैलेंसी टू है, और स्ट्रिक्टली टू है इसकी, केवल और केवल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और ये आपको दिख भी रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही दस फुलफिल्ड हो गया, तो हो सकता है इसकी प्लस टू ओनली स्टेबल हो, ऐसे ही इसकी प्लस थ्री स्टेबल है ओनली। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप, स्कैंडियम यूटेरियम लैंथेनम एक्टिनियम लार्जेस्ट ग्रुप है। क्यों? क्या इसमें एफ लॉग भी आता है? मतलब एफ लॉग भी इसी ग्रुप के हैं? मतलब एफ लॉग की कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस थ्री होती होगी, और दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आर वेरी रिजिड कि हमारी प्लस थ्री ही स्टेबल है, वो इस बात पे बहुत रिजिड हैं, चाहे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी भी स्टेबल हो रही हो। बोलो आज तुम्हें काम आएगी अब ईयू की कॉन्फ़िगरेशन, मैं बार बार पूछता था ना, अब आज तुम्हें याद आएगा, कि काश याद होती तो कुछ समझ में आ जाता। 6s2 5d0 4। मुझे बताओ दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकालोगे? yes, बताओ ईयू के ऊपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो बताओ क्या आप हाफ फील्ड हो जाएगा? yes, तो क्या ये स्टेबल होना चाहिए? बट yes, ये फिर भी स्टेबल नहीं है, ये जाने के लिए कहीं जाएगा प्लस थ्री में, वहीं जाएगा ये, जहां इसको स्कैंडियम ले जाएगा। दे आर वेरी मच रिजिड अबाउट देयर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा या ऑक्सीडाइजिंग? बहुत देर लगा दी भाई, बहुत देर लगा दी, रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीडाइज होएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? बोले यू प्लस टू में तो स्टेबल था, हाफ फील्ड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, हाफ फील्ड स्टेबल थी, मतलब डीप डी सबशेल नहीं थी, चाहे हो वो कहां जाएगा प्लस थ्री में, बहुत रिजिड है वो इस बात को लेके। तो स्कैंडियम वाली फैमिली क्लियर है आपको, स्कैंडियम शो ओनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम के लिए बना है, और ये ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट आप फ्लोरीन के लिए भी लगाते हैं माइनस वन, बोरोन के लिए भी लगाते हैं प्लस थ्री, स्कैंडियम प्लस थ्री, जिंक प्लस टू, एल्कली मेटल सारे के सारे प्लस वन, एल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस टू, ये सब एल्यूमिनियम प्लस थ्री ज्यादातर। कई ऐसे हैं मतलब जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी और फिक्स है, दे डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनफैक्ट आउट ऑफ दीज 10 एलिमेंट्स दीज टू डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम एंड जिंक, दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टाइटेनियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तीनों शो करता है, बट सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस फोर होती है, बताओ क्यों होती होगी? क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जाएगी? स्कैंडियम प्लस थ्री क्यों होती होगी आपको समझ में आ गया? बताओ वैनेडियम प्लस टू से लेकर के प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है, प्लस फाइव इज मोस्ट स्टेबल, बताओ क्यों? क्या इसमें भी वही हालत है, पांच इलेक्ट्रॉन निकालते ही हो जाएगा? बोले क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या, इसमें छह निकाल दो, सात निकाल दो, आठ निकाल दो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। एक घर में बच्चा पैदा हुआ बहुत ज्यादा गोरा था, डॉक्टर से पूछा, बोले भाई साहब ये बहुत ज्यादा गोरा कैसे हो गया? तो डॉक्टर कहेगा मैं क्या करूं, इसके माँ बाप गोरे होंगे यार, इसके माँ बाप बहुत ज्यादा गोरे थे इसलिए इसलिए जो है ये ऐसा हो गया। तो वो कहेगा भाई साहब गोरे तो नहीं हो, हम काले हैं। तो उस टाइम पे तुम जैसे डॉक्टर बन गए, तुम नहीं कोई और नॉर्मल डॉक्टर है, जो वो ये कहेगा ना, बोले यार हो सकता है ये जेनेटिक्स वाला मामला होता है भाई साहब, आप नहीं समझोगे, ये दादा दादी पे भी जा सकता है, ये इधर उधर
मतलब अपनी फैमिली में भी कहीं जा सकता है, तो देयर इज नॉट अ सिंगल रीजन टू एक्सप्लेन एनीथिंग, देयर आर मल्टीपल रीजन। सिंगल रीजन थोड़ी ना है कि बोले इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आती जाएगी तो बोले हाँ ठीक है, कहीं और चीजें भी हैं। ये क्रोमियम और कॉपर ये तो वैसे ही आफत है शुरुआत से ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गड़बड़ है इनके, कुकर्म है, कुकर्म। तो भैया ये जो है ये ऐसे ही रटते थे 9th-10th क्लास में, शायद आपने रटा होगा कुकर्म, क्रोमियम लफड़ा करेगा, कॉपर लफड़ा करेगा। अब क्या लफड़ा करेगा देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऐसा लग रहा है बोले प्लस वन स्टेबल होगी, क्यों हूं क्या क्यों, हाफ फील्ड है यार, अरे हाफ फील्ड है। पर ये भाई साहब तो प्लस वन शो ही नहीं करते, प्लस टू से लेकर के प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तक चलते हैं। प्लस टू से लेकर के प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप आपकी मोटी बुद्धि से, K2Cr2O7 K2Cr2 बताओ इसमें क्या प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का क्या करें, मतलब इसको क्रोमियम प्लस सिक्स अगर पसंद होता तो ये कौन सा रिडक्शन कर रहा होता खुद का, नहीं ये तो बना हुआ होता ना उसमें, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा रिडक्शन, अगर ये आज स्टेबल होता है इसमें तो खुद का रिडक्शन क्यों करता, क्रोमियम को लगी रहती है बार बार बोले प्लस थ्री में जाऊं मैं प्लस थ्री, बताओ क्रोमियम प्लस थ्री कंपाउंड Cr2O3 होता है हरे कलर का, डेंटल सर्जरी में काम आता, पटाखों में काम आया, बम में नहीं आता, जिसमें हरी हरी वो निकलती है उसमें कहता है बम करा, पता लगा तू बम बनने लग जाए। इधर देख Cr2O3 हरा कलर का होता है, जो हरा कलर का वो जो अनार में जो निकल जो कलर दिखता है वो, ये डेंटल सर्जरी में कौन काम आता है, N2O एसिडिक होती है और न्यूट्रल होती है, तीन न्यूट्रल CONO N2 CONO N2 मुझे बताओ NO2 भूरा लाल है क्या, NO2 भूरा लाल है, देखिए Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। मैं आपको एक टेबल याद दिलाऊं आपको, डी पी वहां पीरियड टेबल में पढ़ाई क्या, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री बेसिक, प्लस फोर वाला एम्फोटेरिक, अच्छा क्रोमियम प्लस थ्री भी एम्फोटेरिक, जिंक प्लस टू भी एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक कैन रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करेगा। अब मुझे एक बात बताइए आप, जैसे क्रोमियम को जाना है प्लस थ्री में तो जाता ही जाता प्लस थ्री में, तो इसका मतलब यही फेवरेट होती होगी इसकी, तो क्रोमियम प्लस थ्री स्टेबल में होता होगा भैया, इसलिए जा रहा है, तो ये जा रहा है इसमें इसलिए ये स्टेबल होगी इसकी। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा बोले यार इसको कैसे प्रूव करें, तीन इलेक्ट्रॉन निकालें कुछ पार ही नहीं पड़ रही, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल कैसे स्टेबल प्रूव करें, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था स्टेबल हो रहा था, छह निकल रहे थे स्टेबल प्रूव हो रहा था, ये समझ में ही बात आ गई, ये समझ में ही बात आ गई, ये आनी चाहिए बात समझ में, एक निकल रहा था तो स्टेबल प्रूव हो जाना चाहिए था, छह निकल रहे थे तो स्टेबल प्रूव हो रहा था, तीन को क्या करें, तीन को कैसे करें, तो तीन को बोले अलग दिमाग लगाया, बोले क्रोमियम प्लस थ्री में कोऑर्डिनेशन नंबर छह होता है, होता भैया याद है छह होता है, तो CFT वालों ने समझाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर छह में ऑक्टाहेड्रल बनता है, और ऑक्टाहेड्रल जब बनता है तो उसकी स्प्लिटिंग जो होती है वो दो ऊपर और तीन नीचे होते हैं, याद है क्या आपको, इसको बस ये याद रहेगा तुम्हें,
अबे ये भी याद रखना है, टीटू जी जी, इनमें दो में धक्का पड़ा था क्या? किसने मारा था? लिगैंड। अरे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो यूं हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने तीन इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें से, तो 4s में से 1 में से निकल गया ये, और 2 इसमें से निकल गए, तो बताओ क्या 3d3 बच गया? क्रोमियम प्लस 3d3 हो गया ना भैया, बताओ 3d3 भर दो इसमें, तो ये 1, 2 और 3, बताओ क्या T2G सबशेल हाफ फिल्ड हो गया? इस वजह से बोले ये स्टेबल होता होगा। बोले हैं, अब तो कुछ भी कर लोगे, हाँ जो कर लेंगे भैया, तो तुम प्रूव कर दो। बोले ऐसा होता होगा कि ये हाफ फील्ड हो जाता होगा और स्टेबिलिटी प्रूव हो गई। भाई ऐसे ही तो चल रहा है यार, आज पूरी दुनिया ही चल रही रेजोनेंस। इतना सारा दुनिया भर का ताम झाम पढ़ लिया तुमने रेजोनेंस में, बोले भाई यूं और भाई यूं, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आ गई और इंटरमीडिएट बन गया और दुनिया भर का काम हो रहा है। मिथाइल शिफ्ट चल रही है, हाइड्राइड शिफ्ट चल रही है, और वो जब शिफ्ट हो जाएंगी उसका स्टेबल उसके हिसाब से बात। और एक चीज आई कुछ बता दी, कर लिया चलने दो। देखो तो क्रोमियम के ही मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की, क्योंकि क्रोमियम में लफड़ा था और ये इस लफड़े को अपन ने एनालाइज किया और ये इस तरीके से जो है मामला बना। K2Cr2 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए क्रोमियम प्लस 6 प्रूव नहीं कर, क्रोमियम की नहीं तो प्लस 6 प्रूव कर देते। बताओ मैंगनीज की बात आती है, साफ साफ दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर हाफ फील्ड स्टेबल है, बताओ क्या इसमें ये लफड़ा करेगा? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चलने दो इसको। मैंगनीज शो सो मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 से लेकर के variety of oxidation states, but in which manganese plus 2 is most stable, क्योंकि half field stable हो गया। Why manganese plus 7 is unstable? अरे बोले KMnO4 powerful oxidizing agent, खुद का reduction चाहता ही चाहता है, powerful है और strong भी नहीं है, powerful है, तो इसीलिए कुछ नहीं कह सकते अपन कि manganese plus 7 को तो बोल ही नहीं सकते, chromium plus 6 को तो बोल ही नहीं सकते, बोले ये स्टेबल भी हो सकती है छोटी मोटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जब बात आती है तो इसीलिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, रीजन बहुत सारे बन जाते हैं। फेकोनी, इनकी आदतें वैसे ही चल रही है पुरानी, बराबर क्या बराबर रहेगा इसमें? रेडियस ऑलमोस्ट बराबर। अच्छा फेरोमैग्नेटिक नहीं है, अमलगम बनाते हैं, उल्टा है, अभी तक याद है अमलगम और फेरोमैग्नेटिक है। अब ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट के साथ भी ऐसा सही है कुछ, ये तीनों के तीनों कॉमनली प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं। प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के तीनों, इनकी तीन, इन तीनों की प्लस 2 काफी कुछ सिमिलरली स्टेबल है। बताओ आयरन में से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या ये हाफ फील्ड है? हाफ फील्ड क्या थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो सकता है? अच्छा आयरन प्लस 2, फेरस एंड फेरिक बोथ आर स्टेबल, दोनों स्टेबल हैं, बट स्लाइटली मोर स्टेबल कौन है? ऐसे तो इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा या तो क्रोमियम के बारे में, अच्छा सवाल आया तो कॉपर के बारे में, मैंगनीज के बारे में, ये सब बस, ज्यादा से ज्यादा एफ ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पूछ सकता है, स्कैंडियम के बारे में पूछ सकता है, इतना ज्यादा जो जिनकी जिनकी रे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत क्लोज है वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गई, अब सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट हो गई, वो आसपास की सर्कमस्टेंसेस पे कंडीशन पे डिपेंडेंट हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी, तो जो बहुत क्लोज है वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। खैर कॉपर और जिंक की बात आती है, जिंक बड़ा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात आती है कॉपर की, ये दूसरा वाला है, वो क्रोमियम भी लफड़ा, ये भी लफड़ा, ये भी खूब लफड़ा करेगा, ये देखो आप अभी जी देखिए कॉपर, बताओ क्या समझ में आ रहा है कि कॉपर कैन शो प्लस 1? हाँ, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि प्लस 1 तो स्टेबल है।
हाँ बिल्कुल सही है, और प्लस वन तो शो करता है ये, बट ऑब्वियसली प्लस वन स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये लफड़ा करेगा, है ना। और कॉपर प्लस टू तो शो करता ही है, किसको, एक को बोलते हैं क्यूप्रस, एक को बोलते हैं क्यूप्रेक। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक चीज का, शायद आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए पांच गधे खड़े हैं, तो तीन चार पांच आपने गधे देखे, जो गधे होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है और उनका कलर भी सिमेट्रिकली सिमेट्रिकल कलर होता है उनमें। पांच गधे खड़े हैं, आपसे बोला गया, बोले जाओ इसमें से सबसे बढ़िया घोड़ा सेलेक्ट करके आओ। आप समझना मेरी बात, इन सब में से पांचवें गधे में से सबसे बढ़िया घोड़ा कौन सा होगा पांच में से, तो आप कौन सा घोड़ा सेलेक्ट करोगे, जो हाइट में छोटा है या लंबा, जो जिसके कान बड़े हैं या छोटे, बड़े। मतलब कुल मिला के आप समझना मेरी बात को, इधर ध्यान दो, नहीं समझ नहीं आएगा एक ऊपर रिलेट करना आप चीजों को। आपको बोला गया, बोले बुराइयों में से बहुत जोरदार चीज ढूंढ के लेके आओ, या ऐसा बोल दिया कि चार काले लोग खड़े हैं उनमें बेस्ट गोरा सेलेक्ट करके आओ, तो आप कर सकते हो, कर सकते हो आप। यही हाल देखना भी इसका थोड़ा होगा। मुझे बताओ, अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं इसलिए आप, ताकि आपको रटना ना पड़े। मुझे बताओ कॉपर एक छापा मेटल है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, पर इतना भी नीचे नहीं आता, नहीं समझा मेरी बात, इतना भी नीचे नहीं आता। बताओ कॉपर छापा मेटल्स में से सबसे नीचे गोल्ड है क्या, और सबसे ऊपर कॉपर है। अच्छा गोल्ड में, गोल्ड को पूछा, बोले तुझे जीरो पसंद है या प्लस वन, या जीरो पसंद है या प्लस पसंद है, तो वो क्या जवाब देगा, वो जीरो जवाब दे सकता है। बोले यार मैं नोबल मेटल हूं और मेरा एजेंडा क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, मैं नीचे आता हूँ इलेक्ट्रॉन सीरीज में, काफी नीचे मेटल्स की सीरीज में, और मुझे जीरो पसंद है, मैंने नोबल मेटल। प्लैटिनम से पूछा, प्लैटिनम भी बड़ा क्लियर जवाब दिया उसने, बोले जीरो। कॉपर से पूछा आपने, बोले तुझे जीरो पसंद है या प्लस, तो वो कंफ्यूज स्टेट में है कि नहीं है, है? क्यों है और क्यों नहीं है, कंफ्यूज स्टेट में क्यों है वो, आपके दिमाग ने, आपने बोला कंफ्यूज स्टेट में हो सकता है वो, क्यों हो सकता है वो, क्यों हो सकता है कंफ्यूज स्टेट में, बताओ क्या वो हाइड्रोजन के थोड़ा नीचे है, तो इसका मतलब क्या वो रिएक्टिव बहुत कम है क्या, क्या वो थोड़ा कम है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है तो सही, रिएक्टिव है तो सही, पर कहां कंसीडर में है, छापा में, नहीं समझ रहे आप लिए। कॉपर बड़ा कंफ्यूज जवाब देगा, बोले हाँ जीरो नहीं प्लस, ठीक है मतलब मामला प्लस भी ठीक है जीरो भी ठीक है, यूं अजीब सा एक जवाब मिलेगा उसके साथ तरफ से, आप कंफ्यूज जवाब मिलेगा। गोल्ड पे आपको कोई जवाब कंफ्यूजन नहीं है, प्लैटिनम पे कोई कंफ्यूज जवाब नहीं है, वो जीरो कहेगा डायरेक्ट। ये जिस कंडीशन की स्टेट में कंफ्यूज्ड था उन्हीं दो कंडीशन पे इसको भेज दो, कॉपर को जीरो में भी भेज दो और कॉपर को प्लस में भी भेज दो। ये कर्तव्य आप कब दिखा पाओगे, जब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कर दोगे। बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब समझते हो आप, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। बताओ आप इसका रिडक्शन करोगे तो क्या कॉपर जीरो में जाएगा, और इसी का ऑक्सीडेशन करोगे तो कॉपर क्या प्लस टू में चला जाएगा, बस इन तीन के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बची है उसके पास। भाई जीरो तो सबके पास ही होती है, प्लस वन और प्लस टू ही थी, तो कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल बिकॉज इट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू जीरो एंड प्लस टू। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाई कॉपर प्लस टू इज स्टेबल, उसका जवाब नहीं है अपने पास, उसका जवाब नहीं है। We know that copper show plus one and plus two oxidation state and copper plus two is more stable than copper plus one, but we don't know about the reason of why copper plus two is more stable. Yes, we know the reason of that why copper plus one is unstable. नहीं समझ रहा मेरी बात। Copper plus one unstable क्यों है? क्योंकि वो disproportionate कर गया। अब copper plus two stable क्यों है? Because of its hydration energy. Copper solid से कॉपर गैस निकालो, एस ब्लॉक
एस ब्लॉक की कॉपी खोलो आपकी, एस ब्लॉक। छोड़ो इधर छोड़ो, इधर देखो आप तो, नहीं इधर देखो, इधर सुनो तुम तो, मुझे बताओ कॉपर सॉलिड से मैं गया कॉपर गैस, इधर देखिए बताओ क्या सब्लिमेशन एनर्जी होती है? कॉपर गैस से कॉपर प्लस आयनाइज एनर्जी, कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू फिर आयनाइज एनर्जी, फिर कॉपर प्लस टू से कॉपर एक्वस में फेंक दिया तो हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो जो निकलना जो ज्यादा जरूरी है उसका बहुत जोरदार। तो ये सब आपसे देखिए इतनी डिटेल नहीं पूछेगा कि वाई कॉपर प्लस टू इज स्टेबल, और अगर आप पूछ भी ले तो आप हाइड्रेशन एनर्जी जवाब दे देना कि उसको जब पानी में फेंकते हैं तो उसमें जबरदस्त हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। बोले पानी में क्यों फेंकते हो, क्यों फेंकना आप तुम्हें पानी में, क्यों हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है तुम्हें, मुझे बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो पानी में है या बिना पानी के? पानी में है, वो पानी में डिफाइंड रहती है, इसलिए पानी में फेंका। करंट वरंट नहीं, कुछ और बताइए बताइए, करंट छोड़ दीजिए, करंट हर बार नहीं लगता। देखिए आप F माइनस F टू बनेगा या नहीं? पक्का पक्का पता है आपको? नहीं बनेगा, कंफर्म कह सकते हो आप? बताओ H माइनस H टू याद आया आपको? मैंने बताया था ये आपको, बताओ ये कभी नहीं बनता और ये बनता ही बनता है, बताओ ये खुद को क्या करेगा, खुद को क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को खिला रहा है या खा रहा है? खिला रहा है, तो मतलब ये खिलाएगा ही खिलाएगा, मतलब सामने वाले को खिलाएगा ही खिलाएगा अगर स्कोप है तो। कॉपर प्लस टू, बताओ कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल या कॉपर प्लस वन? हाइड्राइड आया इसके सामने, ऐसा कभी होता है कि तुम ब्रेक में होते हो और ये पढ़ रहे होते हैं? होता है? ठीक है, बस बाकी का काम समझ गया आप। देखिए H माइनस, मुझे बताओ ये H माइनस जो है, बताओ ये क्या H2 में बदलेगा ही बदलेगा? H माइनस इसके पास जाएगा, बोले क्या कहेगा? ये पूछेगा क्या कि खाएगा क्या? क्या खाना पड़ेगा? तो इसका मतलब H माइनस से H2 जब बनेगा तो बन जाएगा। अब कॉपर प्लस टू से कहां चला जाएगा? प्लस वन में चला जाएगा। बताओ कॉपर प्लस टू इज स्टेबल बट अनस्टेबल विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक H माइनस, I माइनस, CN माइनस। इन तीन के साथ ये कॉपर प्लस टू में नहीं रह पाएगा, ये तीनों के तीनों इसको खिला देंगे। एच माइनस तो बहुत जोरदार चीज है, ये दोनों भी खिला देंगे। अब जाके खत्म हुआ है कॉपर का काम, समझ में आ गया आपको? कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये केवल, बट बातें बहुत सारी है। कॉपर प्लस वन इज अनस्टेबल बिकॉज इट डिस्प्रोपोर्शनेट, कॉपर प्लस टू इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, कॉपर प्लस टू इज अनस्टेबल विद तीन एनायंस आई माइनस, एच माइनस, सी एन माइनस। बोलिए, अगर आप दो मिनट और दें तो लिख लें यार, लिख लो थोड़ा, नहीं तो क्या भूल जाओगे आप कल तक। पहला डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें फर्स्ट इसमें हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट हेडिंग और थोड़ी बड़ी हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट लिखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक metal, common oxidation state of block metal is plus 2
while of F block metals is plus 3. While of F block metal is plus 3. इसी लाइन में आगे लिखिएगा फुल स्टॉप आगे. All F block metals are stable in their plus 3 oxidation state. नीचे लिखिए एग्जाम्पल एक EU plus 2, EU plus 2, इसी कॉन्फिगरेशन लिखो EU plus 2 की. EU plus 2 की कॉन्फिगरेशन लिखो. कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं बोलने का. सिक्सेस 0, 5D 0, 4F 7. क्या ये हाफ फील्ड स्टेबल है? बस उसी के आगे लिखो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन बट इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. हाफ फील्ड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट एग्जाम लिखो सी प्लस 2 के जहां पर लिखा सीई प्लस 4. सीई प्लस 4 बताओ सीई क्या? प्लस 4 सीरियम. सीरियम है. सीरियम लैंथेनोइड का पहला एलिमेंट होता है. पहला एलिमेंट 58 एटॉमिक नंबर है ना. हाँ बताओ ये कौन सा एजेंट होगा? प्लस 3 में जाना चाहता है ना तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसको इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट हैज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. 58 में से 4 माइनस करो तो 54 आ जाएगा. ज़ीनॉन जैसी कॉन्फिगरेशन है बट इट इज गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सीरियम प्लस 4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाहे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो फिर भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग इधर परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ये फर्स्ट पॉइंट था पूरा का पूरा. सेकंड पॉइंट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम. Stable oxidation state of scandium, titanium, and vanadium is plus 3, comma plus 4 is plus 3, comma plus 4 and plus 5 respectively. As they attain noble gas configuration, as they attain noble gas configuration, next likhiye chromium show star laga dena is point pe. Chromium show plus 2 to plus 6 oxidation state. Chromium show plus 2 to plus 6 oxidation state. But plus 3 is most stable. But plus 3 is most stable because it has half filled T2G subshell. Because it has half filled T2G subshell. नीचे उसमें EG T2G बना दो और उसमें भर दो उसको.